हेलो एवरीवन, मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना मेकअप कलेक्शन दिखाऊंगी, आपके साथ अपना मेकअप कलेक्शन शेयर करूंगी कि मेरे पास कौन कौन से लिपस्टिक के शेड्स हैं, नेल पेंट के और आईलाइनर के कौन कौन से शेड हैं और कौन से ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है सारे मेरे फेवरेट नेल पेंट। मुझे अच्छे और नए नए कलर ट्राई करने का बहुत ही शौक है। तो अभी मैं आपको अपने सारे नेल पेंट्स के कलर दिखाती हूँ। तो ये ब्लैक कलर है और ये बहुत ही प्यारा पीच सा कलर है। और ये एवोन का नेल ब्रिटलनेस सॉल्वर है, जिनके नेल्स जल्दी टूटते हैं तो ये हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो इस तरह से मैंने सारे कलर्स ले रखे हैं। मैंने दो ब्रांड्स लिए हैं, ये व्हाइट गोल्ड एवोन का कलर है, ये भी बहुत ही प्यारा है, जो सिल्वर कलर में है। और ये रोज गोल्ड है, ये कॉपर शेड है, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। मैंने अपने नेल पेंट दो ही ब्रांड के रखे हैं, एक एवोन के और एक BMW। ये दोनों ही नेल पेंट जो हैं, दोनों का स्टे बहुत अच्छा है, ये काफ़ी दिन हाथों पर टिकते हैं, नेल्स पर टिकते हैं। नेल पेंट लेने के टाइम मैं दो तीन बातों का ही ध्यान रखती हूँ। एक तो नेल पेंट जल्दी सूखने वाला हो और एक उसका स्टे अच्छा हो और उससे नेल्स खराब ना हो। कई नेल पेंट ऐसे होते हैं जिनको लगाने से नेल्स येल्लो हो जाते हैं या रफ हो जाते हैं, तो ये नेल पेंट लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता, नेल्स सही रहते हैं। तो ये ब्लू कलर था और ये भी आपको ब्लू लग रहा है लेकिन ये बहुत ही प्यारा ग्रे कलर है। और मैंने वाइट भी रखा है और ब्लैक नेल पेंट भी रखा है, क्योंकि अगर कभी नेल आर्ट करना हो तो ब्लैक और वाइट काम आते हैं। तो ये ग्रीन कलर है, तो कई कलर मैंने अपनी ड्रेसेस के साथ मैच करके लिए हैं और कई शेड्स मैंने इस ये शेड जो मेरे लगा हुआ है ये वही शेड है, ये भी एवोन का है, ये मिनी नेल पेंट है। तो इन पे कई बार ऑफर होती है तो मैं ले लेती हूँ। ये भी बहुत प्यारा कलर है एवोन का। इनमें से कई तो मैंने अपनी ड्रेसेस के साथ मैच करके लिए हैं और कई मैंने ऐसे ही जो मेरे हाथ पर जचते हैं तो मैंने जो मेरे को पसंद आते हैं तो वो मैं ले लेती हूँ। तो ये सारी मेरी नेल पेंट की कलेक्शन है। और इन सारी नेल पेंट को रखने के लिए मैंने लोकल मार्केट से ऐसी प्लास्टिक की छोटी छोटी बास्केट्स ली हैं। और इस तरह से रखने से सारी नेल पेंट सेट रहती हैं और जब भी मुझे यूज करनी होती है तो मैं इस बास्केट को उठाती हूँ और अपनी फेवरेट नेल पेंट निकालती हूँ और लगाती हूँ। और अभी मैं आपको अपने लिपस्टिक के शेड्स भी दिखाती हूँ। लिपस्टिक मैं एवोन, रेवलॉन और लैक्मे की ज्यादा यूज करती हूँ। तो ये एवोन की लिपस्टिक है, ये ब्राउन शेड है, ये बहुत प्यारा कलर है। तो ये ज़्यादा डार्क नहीं है और इन सारी लिपस्टिक में कोई भी स्मेल या कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि कोई भी लिपस्टिक लेने से पहले मुझे उसको स्मेल करके देखना पड़ता है कि उसमें कोई खुशबू ना हो, क्योंकि मैं कोई भी खुशबू वाली या कोई भी स्मेल वाली लिपस्टिक नहीं लगा सकती। तो ये भी एवोन की है, ये चेरी रश है, ये भी बहुत प्यारा कलर है और मैं ज़्यादा लाइट कलर नहीं लगाती, लाइट कलर मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैं रेड, मैरून और मोव ऐसे में ही थोड़े से शेड चेंज करके लेती हूँ। ये भी एवोन की लिपस्टिक है, एवोन में भी काफ़ी रेंज आती है। ये रेड डेलिया है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। और ये भी एवोन का रेड ट्यूलिप है, ये भी बहुत अच्छा कलर है, रेडिश में है। और ये लैक्मे की रेड कलर है सैटिन में,
352 नंबर तो खैर इनके कभी चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको रेड कलर लगाने का शौक है तो ये बहुत ही प्यारा रेड कलर है लैक्मे में। ये तो अब मेरी खत्म ही है। और ये लिक्विड में है मेबलिन की, ये बहुत ही लाइट कलर है, तो ये मैं बहुत ही कम लगाती हूँ क्योंकि लाइट कलर मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो ये मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। मैं पिंक ऑरेंज ऐसे कलर नहीं लगाती। और इस बार मैंने एक नया लिप कलर भी ट्राई किया है, ये ग्लैम 21 है। इसमें भी कोई भी खुशबू या स्मेल नहीं है और ये 11 नंबर है मॉव में, बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये थी मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन। आपको इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगा जरूर बताएं। मैं लिपस्टिक का ज्यादा स्टॉक नहीं इकट्ठा करती। लिपस्टिक को भी अरेंज करने के लिए मैंने छोटी बास्केट रखी है, और ये छोटी बास्केट ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, 30-40 रुपीज़ में मिल जाती हैं। तो इस तरह से रखने से सारी लिपस्टिक सेट रहती हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी लिपस्टिक और नेल पेंट दोनों के लिए एक एक छोटी बास्केट लगाई है। और अब मैं आपको अपने आईलाइनर के शेड्स दिखाती हूँ। मेरे पास सारे आईलाइनर एवॉन के हैं क्योंकि मुझे एवॉन के आईलाइनर काफ़ी पसंद है, तो मैं हमेशा आईलाइनर एवॉन के ही यूज़ करती हूँ। तो ये एमराल्ड शेड है क्योंकि एवॉन के आईलाइनर काफ़ी स्मूथ चलते हैं, इनका स्टे भी काफ़ी होता है, एक बार सुबह लगा लो तो रात तक टिकते हैं। तो ये एमराल्ड शेड है। आजकल मार्केट में लैक्मे और मेबलिन के आईलाइनर 50-50 रुपए में बिक रहे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, कुछ नहीं पता चलता। तो मैं ऐसे ब्रांड्स में जाती नहीं, तो मैं एवॉन के ही प्रेफर करती हूँ। ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है, ये बहुत ही अच्छा ब्लैक है। आंखों का मामला हो तो कभी भी ऐसी सस्ते के चक्कर में ना पड़े, अच्छे ब्रांड की चीज़ ही यूज़ करें। कोई भी स्किन पर लगाने वाली चीज़ अच्छे ब्रांड की ही होनी चाहिए। ये डीप नेवी कलर है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। जो कलर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो ब्लैक और डीप नेवी ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये प्लम शेड है। और ये ब्रॉन्ज कलर है, ये भी काफी अच्छा कलर है। तो ये 5 कलर मेरे आईलाइनर के हैं। तो ये थी मेरी आईलाइनर की कलेक्शन। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने लिप लाइनर के शेड्स। और ये लिप लाइनर मेरे पास पहले से ही पड़े हैं, आजकल तो आउटलाइन लगाने का कोई फैशन नहीं है, पहले होता था तो तब के लिए हुए हैं। तो इनमें से मैंने सिर्फ एक ही नया खरीदा था, वो भी एवॉन का, ये तो मार्केट से लिए हुए हैं, 20-30 वाले ही हैं ये तो। ये पर्पल शेड था और ये ब्राउन शेड है, तो ये यूज़ नहीं होते आजकल, ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। किसी दिन इनको भी मैं निकाल लूँगी, जो भी काम के नहीं है तो उनको निकाल दूँगी। ये एवॉन का है रेड ब्रिक, ये बहुत ही प्यारा रेड कलर है, ये बहुत ही स्मूथ चलता है। तो यही मैंने एक नया खरीदा है, बाकी सब मेरे पास पुराने ही पड़े हैं।
ये कॉफी कलर है। कई बार तो कॉस्मेटिक ऐसी चीजें हम ले आते हैं जिनको हम कभी यूज नहीं करते। ये भी लाइट सा कलर है, ये तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा चल रहा है, ये तो मैं फेंक ही दूंगी। और ये भी एवॉन का ही है, ये भी मेरे पास पुराना ही पड़ा है, ये भी लाइट कलर है। तो ये थे मेरे लिप लाइनर के शेड। तो ये थी मेरी मेकअप कलेक्शन। तो आपको ये कलेक्शन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मेरा मेकअप कलेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मोनिकाज़ DIY को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।